In the name of Allah, the most gracious and most merciful, we are discussing about paper journal science, biomolecules. Today's subtopic is enzymes. Before I start my lecture, you are requested to subscribe my channel, Science Lectures. Also press bell button to be notified about all new coming tutorials from CSS Tutor. What are enzymes? Enzymes are biologically active proteins which increase the speed of biochemical reactions. In case enzymes are absent for a biochemical reaction, the speed of biochemical reaction will be so slow that life for a cell will be impossible to sustain. Structure of enzymes. Enzymes amino acids se bane hain. Amino acid पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक अप होकर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करते हैं. इस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में फ्यू अमीनो एसिड्स चार्ज बेयरिंग हैं जो कि एक्टिव साइट को डेवलप करते हैं, जहां एंजाइम की सारी कैटालिटिक एक्टिविटी रिजर्व्ड होती है. एंजाइम को फंक्शन करने के लिए बहुत से नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है. इन नॉन प्रोटीन पार्ट्स को कोफैक्टर कहते हैं. ये यूजली मेटल इन नेचर है. देयर एग्जाम्पल्स आर मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक. कोफैक्टर एंजाइम्स को फंक्शनिंग के लिए केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा एंजाइम्स को कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है. दे आर नेम्ड एज एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स जो हैं, ये भी एंजाइम्स के साथ बाइंड होकर इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं. काइंड्स ऑफ एंजाइम्स. On the basis of type of reaction an enzyme will catalyze, it is classified into 7 categories, which are hydrolysis, oxidoreductases, lyases, transferases, ligases, isomerases and translocases. Number 1 enzyme oxidoreductases. ये oxidation and reduction reactions की base पर, यानी oxygen और hydrogen का substrate के अंदर addition और removal की basis पर reaction को catalyze करते हैं. बहुत से respiratory enzymes इनके example हैं, जैसे pyruvate dehydrogenase enzyme pyruvate को oxidize कर देते हैं acetyl coenzyme के अंदर. Second type transferases की है. Transferases फंक्शनल ग्रुप, केमिकल ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक ट्रांसफ़र करते हैं. इनकी एग्जांपल ट्रांसमाइनेसिस हैं, जो कि अमीनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र करेंगे इमाइनेशन रिएक्शंस के अंदर. थर्ड हाइड्रोलेसिस हैं, जो कि वाटर का एडिशन करते हैं सबस्ट्रेट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में वाटर के एडिशन से डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स बिल्टअप होंगे. फोर्थ लाइसिस एंजाइम्स हैं, जो कि ब्रेकेज करेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की इनटू सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर. फॉर एग्जांपल एल्डोलेसिस एंजाइम्स हैं, जो कि फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड है उसे ब्रेकअप करेंगे 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स के अंदर. फिफ्थ एंजाइम आइसोमेरेसिस. ये केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं लाते, बल्कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में चेंजेस लाएंगे, आइसोमर्स को बिल्टअप करेंगे. जैसे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देगा, जिसमें फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो रही है कार्बन के ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 के अंदर. सिक्स टाइप लाइगेजेस एंजाइम्स की है, जो कि बाइंडिंग का फंक्शन, यानी जो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कराएंगे. जैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम्स डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक अप करेंगे. सेवन्थ फॉर्म ऑफ एंजाइम्स इज ट्रांसलोकेसिस. ट्रांसलोकेसिस एंजाइम्स जो हैं, वो आयंस और मॉलिक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे लिविंग थिंग्स के. एंजाइम्स को उनके साइट ऑफ एक्शन की बेसिस पर टू क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया गया है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स. इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की प्रोडक्शन विद इन द सेल है, और जहां इनकी प्रोडक्शन है वहीं इनका एक्शन है. इनके एग्जांपल्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स हैं. जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं प्रोड्यूस विद इन द सेल होते हैं. उसके बाद इनकी छोटी छोटी सैक्स या पाउचेस बनती हैं, जो कि इन एंजाइम्स को आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसफ़र कर देती हैं. इनकी एग्जांपल बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे स्टमक में एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं,
और इसके अलावा डिकम्पोजिशन इंजाइम्स हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल इन सॉइल ट्रांसफर होकर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स बाय नेचर प्रोटीन्स हैं। इंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, बल्कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। इंजाइम की प्रेजेंस जो है प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करेगी। इंजाइम सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे कि एमिलेज इंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकअप करेगा, तो प्रोटीज इंजाइम्स प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा। सिंगल इंजाइम सिंगल केमिकल रिएक्शन या ग्रुप ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। इंजाइम्स टेम्परेचर पीएच और सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे। इंजाइम्स को फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी उसको कम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। इंजाइम अपने स्पेसिफिक सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करके इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंजाइम यूज हुए बिना सेपरेट हो जाएगा और सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। इंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी उसकी एक्टिव साइट की वजह से है। एक्टिव साइट की टू पार्ट्स हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का फंक्शन आइडेंटिफिकेशन है प्रॉपर सब्सट्रेट्स का, और उनको इंजाइम के साथ बाइंड कर इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है, जबकि कैटालिटिक साइट उस अटैच्ड सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगी। लॉक एंड की मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन। एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक की जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक इंजाइम एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट के साथ लिंकअप करेगा। इंजाइम की स्पेसिफिसिटी की रीज़न उसकी रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट है। उस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में चेंज और मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई वो एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट से लिंकअप होकर जो उसी की शेप के सिमिलर होगा उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज करेगा, यानी इंजाइम एक्ट एज ए टेम्पलेट। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन। कॉशलैंड ने रिसेंट एविडेंसेस की बेस पर इंड्यूस्ड फिट मॉडल को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू इट एक्टिव साइट जो है दैट्स नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन पॉसिबल हैं, और ये अपने सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाकर एक कैटालिटिक एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। फैक्टर्स इफेक्ट इंजाइम कैटालाइसिस। फैक्टर्स जो कि किसी भी इंजाइम के केमिकल स्ट्रक्चर को या उसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज करें जिससे उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर इम्पैक्ट आए, दे आर फोर: कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू ऑफ मीडियम। इंजाइम्स कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट को फिक्स कर लिया जाए और इंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, बट टू ए लिमिट जहां तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अवेलेबल है। आफ्टर दैट अगर इंजाइम्स की कंसंट्रेशन मींस मोर एक्टिव साइट्स को रिएक्शन के लिए प्रोवाइड भी किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, अगर इंजाइम्स की कंसंट्रेशन को फिक्स कर लिया जाए और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा, बट टू ए लिमिट जहां पर अवेलेबल एक्टिव साइट्स नहीं होंगी वहां पर रिएक्शन रेट लेवल ऑफ हो जाएगा, तब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इसी तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट टू ए सर्टन लिमिट। आफ्टर दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर जो है इंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक है। एट वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर इंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। दैट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर इंजाइम शोज इट्स
Maximum activity is called as optimum temperature. For example, human body के enzymes का optimum temperature 37 degree है. Above and below to this, enzymes will not perform their activity at maximum rate. Same is case with pH value. Enzymes are very sensitive to the pH of the medium. For example, pepsin enzyme shows its maximum activity at its optimum pH of 2. Sucrase enzyme works the best at 4.50 and tyrokinase at 5.5, amylase 6.8, catalase 7.6, and the same way many more enzymes, they are specific to their pH. इंजाइम्स लिविंग बॉडीज़ की फिजियोलॉजी में वाइटल रोल प्ले करते हैं. ग्रोथ वन सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कम्प्लेक्स ह्यूज ऑर्गेनोजेनेसिस फॉर्मेशन में इंजाइम्स आर प्लेइंग देयर रोल. ब्लड की क्लॉटिंग होना, वूंड्स की हीलिंग होना इज़ विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंजाइम्स. रेस्पिरेटरी एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इज ऑल डिपेंडेंट ऑन इंजाइम्स. डाइजेस्टिव प्रोसेस इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए बिग क्लास ऑफ इंजाइम्स. रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो इंजाइमेटिक डिपेंडेंट. ATP एनर्जी का जेनरेट होना बॉडी के लिए विच इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ all life processes, that is also generated with the help of enzymes. इसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आइंस की और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंजाइम्स कंट्रोल करते हैं. सेल्स के ऑर्गन्स को असेंबलिज डिसम्बलिज करना भी इंजाइम के अंडर कंट्रोल है. डाइजेस्टिव इंजाइम्स में लिपेज इंजाइम फैट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में चेंज करता है. स्मॉल इंटेस्टिन्स में एमिलेज इंजाइम स्टार्चिस को ब्रेकअप करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं. मेल्टेज इंजाइम मेल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेकअप करेगा. ट्रिप्सिन इंजाइम स्मॉल इंटेस्टिन में फंक्शन करता है. पॉलीपेप्टाइड चेन्स को डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा. रिविस्को इंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड रिविस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंजाइम ऑन